हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की एक नया रेसिपी, और रेसिपी का नाम है दही चिकन। बंगाली में बोलते हैं दही चिकन। तो आज मैं बंगाली स्टाइल में दही चिकन कैसे बनता है वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दही चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया 600 ग्राम। पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए चिकन के ऊपर डालेंगे 100 ग्राम दही, डालेंगे कुछ सूखा मसाला, देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मसाला को चिकन के साथ मिला देंगे। देखो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका। अब डालूंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। देखो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका। अभी इस चिकन को कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 1 घंटे बाद देखो चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब चलते नेक्स्ट स्टेप पर। अभी एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल को गरम कर लेंगे और फोड़ने के लिए देंगे जीरा, तेजपत्ता और हरी मिर्च। थोड़ी टाइम के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद डालूंगी कटिंग किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 3 बड़ा साइज का प्याज लिया। प्याज डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी टाइम के लिए भूनेंगे। थोड़ी टाइम बाद देखो प्याज आधा भून चुका। प्याज को मैंने डीप फ्राई नहीं किया। अब मैं डालने वाली हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इसे प्याज के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। फिर से डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सभी को चिकन के साथ मिला देंगे। देखो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका। अभी इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट कुक करने के बाद देखो चिकन से पानी छोड़ दिया। इसे पलट देंगे। अब मैं डालूंगी प्याज और टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया और 1/2 टमाटर। इसे भी मिला देंगे चिकन के साथ। मिलाने के बाद इस चिकन को थोड़े टाइम के लिए पकाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर से इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद देखो चिकन से तेल छोड़ दिया। लगता है चिकन हमारा ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका। इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इस चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट बाद देख के लग रहा है चिकन हमारा तैयार। इसे पलट देंगे और कलर देखो कितना अच्छा आया। अब मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी गरम मसाला और देंगे कसूरी मेथी। ये सभी को अच्छे से चिकन के साथ मिला देंगे। अब मैं इस चिकन को और नहीं पकाएंगे। इस टाइम में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। तो देखो बंगाली स्टाइल में दही चिकन हमारा तैयार। आप लोग इसे राइस, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।